आज हम बनाएंगे यार कंचन की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये बिल्कुल मछली की तरह ही लगता है। तो आज हम इसके लिए हम मसाला तैयार कर लिएंगे, जिसमें है सरसों, जीरा, मरीच और लहसुन। साथ में अमचूर पाउडर डालकर मसाला तैयार कर लेंगे। और इधर हमने चावल और दाल को पीस करके अच्छे से फाइन पे पाउडर बना लिया है। और इसमें हम हल्दी, मिर्ची, धनिया डालकर अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ में ही इसमें हम पिसा हुआ मसाला भी थोड़ा ऐड करेंगे और नमक डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद इसे हम पत्तों पर थोड़ा थोड़ा इसे लगाएंगे, और लगा कर उसका रोल हम तैयार करेंगे। पत्तों पर अच्छे से इसको हम लगाएंगे और एक के ऊपर एक पत्ते डाल करके, और उस पर हम अपना तैयार मसाला लगाते जाएंगे और उस पर पत्ता रखते जाएंगे। उसके बाद इसे हम रोल बना लेंगे। और इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम एक काट करके काट लेंगे। और अपना जो मसाला तैयार किया था उसमें लपेट करके इसे हम तेल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। और फिर उसी कढ़ाई में हम अपना तैयार किया हुआ सरसों का मसाला डालेंगे और हल्दी, मिर्ची, धनिया डालकर अच्छे से भून लेंगे। और तब तक इन्हें हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ दे। तेल छोड़ देने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको अच्छे से पकने देंगे, जिससे कि इसमें ये इसका कलर बहुत ही अच्छा लगे देखने में। और उसके बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम लेमन जूस भी डालेंगे। वैसे तो हमने अमचूर पाउडर डाला था, फिर भी थोड़ा सा लेमन जूस डाल देती हूँ, जिससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। और फिर इसे आप तो इसमें हम इतना तैयार जो हमने पात्रा तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे फिर सर्व करें। चावल या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।